75 को आप लोग कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जितना आएगा ना उसको 4 से गुना कर दो यार, क्योंकि 4 4 10 है। प्लस यहाँ पे ना और भी बहुत अच्छा एक्स्ट्रा बेड यहाँ पे लगाया गया, रखा गया, और ये आपको बिल्कुल ही निःशुल्क मिलेगा गाइस। आप लोग आ सकते हो यहाँ पे, रह सकते हो। प्लस ये देखो बाहर के साइड लाइटनिंग काफी, जैसा कि देख सकते हो ये अंबिका देवी कवर ये द्वार है, यहाँ से एंट्री होता है, और जिला प्रशासन मुंगेर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ से देख सकते हो अपन लोग रोड से बिल्कुल जा रहे हैं एकदम सामने के साइड, और देखो गाइस जो बम जाएंगे ना वो कितना यहाँ से डिस्टेंस पड़ता है, ये रोड है और वो देखो बम वो वाली रोड से जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो अपन लोग जो कवरिया पथ का रास्ता था ना उधर से अपन लोग छोड़ के मेन रोड से आ रहे थे, ताकि कोई बम को प्रॉब्लम ना हो हमारी बाइक के कारण। और कुछ उधर की साइड जा भी चुके, प्लस अभी कुछ यहाँ पे है भी बैठे हुए, प्लस कुछ इधर तो खाना पीना खा रहे हैं, और इधर की साइड से ना डायरेक्ट उधर जाएंगे। अभी नहीं भी तो मानो ना तो 80 किलोमीटर। और सो गाइस ये देखो यहाँ पे कितने सारे बम है, सारे इधर लंच वंच कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, और आगे साइड ना तकरीबन नहीं भी तो 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा। प्लस ये गाइस ये देखो जिलेबिया मोड़ अपन लोग जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ा जा रहा है गाइस, ऐसे है ना भाई, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ रहा है बाइक अपना। सकते हो ये लोग पैदल अभी जा रहे हैं, सो ये पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है अभी अपन लोग, और ये लोग पैदल जा रहे हैं कवर लेके, और बाब। सो गाइस यहाँ से ना नीचे सारे पैदल यात्रा जाते हैं, और एक ये अंकल जी जा रहे हैं, कितना दूर से आ रहे हो अंकल? काफी काफी दूर से आ रहे हो ना, देख लो यार सपोर्ट लेने के लिए दो स्टिक ले रखे हैं, क्योंकि जगह का नाम क्या? चांदड़ नदी। अच्छा तो ऐसा होता है ना, जितना आप लोग सोचो ना उससे कई गुना ज्यादा आ जाते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा बेड है। भैया एक लाइन में कितना बेड होगा तकरीबन? जय श्री राम गाइस, अभी अपन लोग आ चुके हैं अंबिका देवी, यहाँ से स्टार्ट होता है कवरिया द्वार, अंबिका देवी कवरिया द्वार स्टार्ट होता है, जहाँ पे अपन लोग पार्ट 1 एंड किए, तो वहीं से पार्ट 2 का स्टार्टिंग कर रहे हैं गाइस। और यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट देवघर का टूर करवाएंगे डायरेक्ट, जैसा कि देख सकते हो ये अंबिका देवी कवरिया द्वार है, यहाँ से एंट्री होता है, और जिला प्रशासन मुंगेर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ से मुंगेर जिला में आप लोग अंदर आ जाते हो, और यहाँ से आपको 80 to 85 किलोमीटर्स पड़ती है देवघर, तो आप लोग को अब डायरेक्ट ना देवघर का रूट में लेके चलता हूँ, सारे कवरिया कैसे जा रहे हैं, सारे बम कैसे जा रहे हैं ना, सारा कुछ आपको दिखाते हुए ईच एंड एवरीथिंग। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी गाइज, बट फिर भी एडजस्ट करना, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो। और इधर से ये देखो, इधर के साइड टेंट देख रहे हो कितना मस्त है। और गाइज आप लोग देख सकते हो इस बोर्ड में कहाँ कहाँ आप लोग विश्राम कर सकते हो वो लिखा हुआ पथ। तो अभी अपन लोग इधर के रूट से चलते हैं, और फिर माँ अंबिका कवरिया द्वार के तरफ से चलते हैं अंदर से, और फिर आपको दिखाते हैं। बट अंदर के साइड से नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइक में काफ़ी ज़्यादा फिसलन होगी ना, तो बम को कुछ मेरे कारण कुछ कष्ट होगा, वो मेरे को पसंद नहीं है, इसी कारण से अपन लोग बाई रोड जाएंगे, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको दिखाएंगे। देख सकते हो अपन लोग रोड से बिल्कुल जा रहे हैं एकदम सामने के साइड, और देखो गाइस जो बम जाएंगे ना वो कितना यहाँ से डिस्टेंस पड़ता है, ये रोड है और वो देखो बम वो वाली रोड से जाएंगे, वो वाली लाइक उन लगा जो रेत वाली रोड बनी हुई ना, उधर से ही जाएंगे बम सारे, जाते हैं जा भी रहे हैं कुछ लोग, और अपन लोग इस रोड से जा रहे हैं। तो देख सकते हो इधर की साइड पानी भी है, और अपन लोग बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं, और बम को आगे की साइड जहाँ से ज्वाइंट होगी ना अपना रोड, वहाँ पे डायरेक्ट मिलेंगे, और वहाँ पे आपको बम को दिखाएंगे सारे लोग को। प्लस बहुत सारे लोग रेस्ट करते हैं हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे ना, उन लोग का फिक्स क्या हो रहा था, वहाँ पे रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रेस्ट करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देख सकते हो अपन लोग जो कवरिया पथ का रास्ता था ना उधर से अपन लोग छोड़ के मेन रोड से आ रहे थे, ताकि कोई बम को प्रॉब्लम ना हो हमारी बाइक के कारण। बट अपन लोग मेन रोड में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ चुके थे, तो अभी अपन लोग कवरिया पथ की तरफ जा रहे हैं, और आप लोग फिर से सरदार लोग को दिखाएंगे। ये देखो कुछ बम जो कि वीडियो बना रहे हैं, और इधर देखो काफ़ी सारे बम हैं, इधर से ही रास्ता, ये देखो ये वाली रेत वाली। सो गाइस देख सकते हो अभी बहुत सारे इधर से आ रहे हैं बम, और कुछ उधर की साइड जा भी चुके, प्लस अभी कुछ यहाँ पे है भी बैठे हुए, प्लस कुछ इधर तो खाना पीना खा रहे हैं, और इधर की साइड से ना डायरेक्ट उधर जाएंगे। अभी नहीं भी तो मानो ना तो 80 किलोमीटर और अराउंड 80 किलोमीटर और होगा, तो वहाँ पे देख लो बोर्ड पे भी लिखा हुआ देवघर कच्ची पथ 80 किलोमीटर, 72 किलोमीटर दुम्मा। तो ऐसा इधर से इधर का रास्ता देख रहे हो कैसा है भाई, अगर बाइक से इधर जाएंगे ना तो भाई अपना तो लॉस होगा ही, दूसरों का भी लॉस हो जाएगा, इसी कारण से इधर से ना जाके अब लोग मेन रोड से जा रहे हैं। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, अभी अपन लोग तारापुर पहुँचे, और फिर यहाँ से अभी और आगे जाएंगे, तो अभी और भी बहुत सारे बम जा रहे हैं इधर से, तो मैंने अभी आपको दिखाया।
तो इधर से भी अपन लोग जाएंगे, तो तारापुर से आगे निकलेंगे तो धर्मशाला एक और है, उधर जाएंगे वहाँ पे आपको दिखाएंगे। वहाँ पे भी काफ़ी सारे बम लोग रेस्ट करते हैं, खाते हैं और फिर विश्राम करते हैं, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस धूप भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इसी कारण अपन लोग गमछा भी ले लिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे की तरफ जाते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं डायरेक्ट। ये देखो ये कैसे जा रहे हैं बम लेके, सारे लोग बम लोग तो ऐसे ही जाते हैं कवर लेके। भाई कितना वेट होता है ना, देख लो, वेट के साथ रेत के साथ चलना होता है। रेत ही होता है ना, फ़ायदा करता है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, पैर में कुछ चुभता उभता नहीं है, आराम से रेत के थ्रू जाते हैं। और ये देखो ये जा रहे हैं कवर लेके, हर हर महादेव। सो गाइस अभी अपन लोग जिलेबिया आ चुके हैं और जिलेबिया से देवघर तकरीबन नहीं भी तो 50-60 किलोमीटर बोर्ड पे शो कर रहा था, मेरे को नहीं पता कितना किलोमीटर और है, बट बोर्ड पे तो 60 किलोमीटर अप्रोक्स शो कर रहा था। और जिलेबिया का गाइस मतलब रोड देखो यार, प्लस लोकेशन इधर का चेक करो, क्या ही मस्त वाला लोकेशन देख रहे हो, सिर्फ पेड़ पौधा, प्लस सामने की साइड पहाड़ दिख रही है, घाटी टाइप का ऐसा लग रहा है, प्लस इधर की साइड देख रहे हो कुछ क्या ही प्यारा सा लुक आ रहा है ना, एकदम मस्त वाला। ये देखो नहर, और तो नहर मतलब साफ साफ सब पानी एकदम जा रहा है, एकदम मस्त वाला। और ऊपर की साइड देखो पहाड़ दिख रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है पहाड़ भी यार। और इधर की साइड देखो मतलब लोकेशन ना काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। फाइनली गाइस अभी अपन लोग जलेबिया मोड़ पहुंच चुके हैं और फिर यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहाड़ भी, प्लस यहाँ पे बहुत सारे बम हैं जो कि रेस्ट कर रहा है, अपना खाना पीना खा रहा है। और इसके आगे ना तकरीबन नहीं भी तो 60-70 किलोमीटर और है, 50 किलोमीटर और ये जलेबिया मोड़ आगे जाएंगे ना तो अपन लोग झारखंड में एंट्री लेंगे, उसके बाद 10-12 किलोमीटर बाद है अपना देवघर। सो गाइस ये देखो यहाँ पे कितने सारे बम हैं, सारे इधर लंच वंच कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। और आगे साइड ना तकरीबन नहीं भी तो 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा, प्लस ये देखो इधर के साइड का लोकेशन देखो गाइस, क्या ही मस्त वाला लग रहा है, देख रहे हो ऊपर के साइड पहाड़ है मस्त, एकदम जाते जाओ ऊपर चढ़ोगे ना तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा सा सीनरी लग रहा है भाई मेरे को ना, लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लस बहुत सारे जो भी बम आए ना, फोर व्हीलर सब से आते हैं ना, वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं, और पैदल वाला तो भाई काफ़ी डिस्टेंस तय करके जाते हैं, तो उनको तो बहुत टाइम लगता है, तकरीबन नहीं भी मानो तो 10 दिन तो लगता ही होगा या फिर 5 दिन लगता होगा आराम से, 5 से 10 दिन। और इधर देखो सारे फोर व्हीलर वाले आए हैं और ऊपर की साइड पहाड़ है, उधर का सीन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जलेबिया मोड़ है, ऊपर देख सकते हो आप लोग क्या लिखा है, सुल्तानगंज रैन सेंटर लुल्हा शिवलोक ये सब है। तो ये जलेबिया मोड़ से और अंदर जाते 50 किलोमीटर फिर अपना झारखंड स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से, तो उधर से हम लोग तेल भी लेंगे, बहुत कुछ लेना है। तो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, इसी कारण सोच रहा है बस थोड़ा थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाते जाए ताकि अपन लोग आराम से पहुँच सकते हैं। सो अभी यहाँ से निकलते हैं गाइस। गाइस ये देखो जलेबिया मोड़ अपन लोग जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ा जा रहा है गाइस, ऐसा है ना भाई, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ रहा है बाइक अपना, पहाड़ के ऊपर जा रहा है जलेबिया मोड़ ये, प्लस इधर कुछ लोग रहे हैं, प्लस टेंट वेंट है इधर, सारा कुछ खाने पीने का व्यवस्था होगा। और आगे की साइड देखो गाइस क्या ही मस्त वाला व्यू है, और इधर की साइड भी सारे जो भी फोर व्हीलर ये सब से आते हैं ना उनके लिए ये सब बनाया गया, प्लस ये सब होटल है सब जो भी होगा इंस्टॉल ये सब लगाएंगे कुछ, और जो भी आएंगे वो खरीद खरीद के खाएंगे प्लस जो भी होगा। लेकिन इधर का नेचर से मेरे को प्यार हो गया यार, कुछ ही बोला यार, काफ़ी मस्त वाला नेचर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो फाइनली गाइस ये देखो भाई मतलब जलेबिया मोड़ पे भाई मतलब पहाड़ के ऊपर एक तो चढ़ो, प्लस सीन देखो गाइस क्या ही मस्त वाला लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल यार, ऐसा ना जो हम लोग सिनेमैटिक शॉर्ट्स में देखते हैं ना वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा मतलब पहाड़ प्लस ग्रीनरी ऐसा होता है, प्लस साइड में देखो ऊपर की साइड गाइस कितना मस्त वाला पहाड़ का एकदम लुक आ रहा है, प्लस बादल को देखो ऊपर के साइड क्या मस्त वाला सीन आ रहा है ना। तो यार मतलब भाई हम लोग ना स्वर्ग का एकदम लग रहा है, स्वर्ग के पास हम लोग आ गए भाई, वैसे भी देवघर जा रहे हैं, स्वर्ग में ही जा रहे हैं हम लोग, बट स्वर्ग को भी देखते हुए जा रहे हैं हम लोग, कैसा स्वर्ग होता है। तो देख लो कितना मस्त है, स्वर्ग से कम थोड़ी है भाई, आप लोगों को क्या लगता है, स्वर्ग से ही कम है क्या। और सामने के साइड देखो दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कृपया फाइनली गाइस जब अपन लोग सुइया पहाड़ की तरफ आ चुके हैं और ऊपर के साइड तार देख रहे हो लटकाया जा रहा है, जो कि वो सुइया है शेल्टर वहाँ का, और इधर सुइया पहाड़ देख सकते हो भाई। सो कुछ ऐसा है सुइया पहाड़ भाई, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस ये देखो वाटर है ना जो और भी ज़्यादा डिसेंट वाला लुक दे रहा है, प्लस इधर की साइड देखो सरवनी मेला, इधर कुछ रुकने का उत्तम व्यवस्था किया गया, और ये देखो इधर टेंट लग रहा है। सो अभी आपको ना आगे जाके और भी सारा कुछ अपडेट देते हैं।
देख रहे हो गाइस क्या ही मस्त वाला व्यू आ रहा है ना। इधर इधर के साइड भी सारा टेंट वेंट लगाएंगे, यहाँ पे सारा कुछ बेचने वेचने सामान जो आएगा ना वही बेचने के लिए रखेंगे। जो भी फोर व्हीलर सबसे आते हैं ना, सुइया पहाड़ पहले तो उधर था, पीछे के साइड जो भी था जलेबिया मोड़, जलेबिया पहाड़, उसके जस्ट बाद सुइया पहाड़ आती है, तो उसके लिए शायद यहाँ पे सारा खाना पीने का प्रबंध किया जाएगा। प्लस आगे की साइड देखो ना तो उधर भी व्यवस्था किया जा रहा है, उधर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उधर की साइड देखो ना तो बोल बम के कुछ बम लोग वहाँ पे वेटिंग भी कर रहे हैं, लाइक कुछ शेल्टर वहाँ पे बन चुका है, तो वहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे हैं प्लस खाना पीना खा रहे हैं। और इधर का मैदान देख रहे हो भाई कितना खाली खाली से लग रहा है ना, कितना प्यारा सा लग रहा है, एकदम डिसेंट वाला लुक दे रहा है ना। और फिर तुम्हारा भाई आ चुका है भाई, बोला बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, सो क्या ही बोल सकते हैं। और तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को बिना बोरिंग बनाए हुए आप लोग को नेक्स्ट आगे की ओर दिखाते हैं, क्योंकि अपने को ना पैदल यात्रा भी दिखाना है प्लस फोर व्हीलर वाला यात्रा भी दिखाना है। सो पैदल और फोर व्हीलर दोनों को दिखाना है, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगी गाइस, मैक्सिमम आने के चलना तो 20 मिनट तक जाएगी, तो उसके लिए आप लोग एडजस्ट करना, प्लस बोरिंग तो बिल्कुल ही नहीं होने देंगे। तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो करते हैं पॉज और फिर मिलते हैं आगे की साइड आपसे। देख तो ये लोग पैदल अभी जा रहे हैं, सुइया पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है अभी अपन लोग, और ये लोग पैदल जा रहे हैं कवर लेके, और बाब क्या बोलते हैं ना बम लेके जा रहे हैं सारे लोग, कवर लेके जा रहे हैं इधर से। और इधर की साइड देखो सारा रखने का उत्तम व्यवस्था ऊपर भी किया गया है प्लस खाना पीने का। और ये देखो कुछ लोग अपना मैजिक में सारा कुछ जाते हैं, खाना पीना, गैस सिलेंडर, देख रहे हो सारे लोग कैसे लेके जाते हैं गैस सिलेंडर, ये सब इसी में खाते पीते आराम से, कहीं भी मन किया नहा लिए। प्लस चापाकल गाइस हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगी एक चापाकल, जहाँ से आप लोग खाना पीना खा सकते हो। प्लस यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ से ना पैदल यात्रा के लिए नीचे रास्ता दिया। सो गाइस देख सकते हो यहाँ से पैदल यात्रा का काफ़ी अच्छा तरीके से दिया हुआ है, और फिर यहाँ से सारे बम जा रहे हैं, और आगे तकरीबन 2 किलोमीटर बाद ये रोड फिर से मिल जाएगी। तो अपन लोग बस मेन रोड से ही जाते हैं, क्योंकि तकलीफ ना देते हुए डायरेक्ट अपन लोग मेन रोड से ही जाते हैं। और अभी पहले बाइक की तरफ जाते हैं, फिर अपन लोग आगे की ओर चलते हैं। सो गाइस यहाँ से ना नीचे सारे पैदल यात्रा जाते हैं, और एक ये अंकल जी जा रहे हैं, कितना दूर से आ रहे हो अंकल? काफ़ी दूर से आ रहे हो ना, देख लो यार सपोर्ट लेने के लिए दो स्टिक ले रखे हैं, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कुछ लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी चलते, क्योंकि 105 किलोमीटर मतलब आप लोग समझ सकते हो गाइस 105 किलोमीटर कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और ये देखो रेत रेत से ही जा रहे हैं अपन लोग काफ़ी डिस्टेंस, प्लस कहीं कहीं ना ये देखो कैसा कैसा गिट्टी गिट्टी वाला रोड है, इधर कहीं कहीं ये दिया गया है, बाकी तो ऐसे ही गिट्टी गिट्टी टाइप का, फिर ऊपर के साइड से रेत आ चुका है। सो गाइस यहाँ भी देखो, यहाँ भी रहने का उत्तम व्यवस्था कर दिया गया है, प्लस आगे की साइड देखो और भी काफ़ी अच्छे तरीके से रहने का, प्लस जाने का काफ़ी अच्छा जगह है यार, मतलब देख सकते हो नीचे के साइड से रेत काफ़ी अच्छा, इधर गर्म भी ज़्यादा रेत नहीं होगी, पेड़ पौधा इतना है ना कि गर्म होनी नहीं देगी ज़्यादा। तो इधर के साइड से आगे के ओर जा सकते हो, बट अपन लोग बाइक से तो नहीं जाएंगे, बाइक से अपन लोग मेन रोड से ही जाएंगे, क्योंकि समझ रहे हो ना। तो अभी बस चलते हैं आगे की ओर, और डायरेक्ट आपसे देवघर के रूट में ही मिलते हैं। सो गाइस अभी अपन लोग सुइया से 10 किलोमीटर आ गया है, और इधर देखो बिहार SH22 मतलब, और प्लस आगे की साइड देखो तो माँ सीता सेवा ट्रस्ट धर्मशाला, तो ट्रस्ट का धर्मशाला है, तो सारे जो भी बम जा रहे हैं ना कवर लेके उनके लिए रुकने का यहाँ भी उत्तम व्यवस्था है। और इधर के साइड देखो ना तो क्रॉसिंग वाला काफ़ी अच्छा वाला दिया है, लाइक इधर का जो भी रेत है ना वो सही है, प्लस उधर जो कावर लेके जा रहे हैं ना बम वो भी रेत पे ही चल रहे हैं, क्योंकि रेत पे चलने से क्या होता है ना कि आपको कोई भी गिट्टी है सब जो पाँव में चुभती है ना, क्योंकि जो कावर लेके जाते हैं वो खाली पाँव ही जाते हैं, तो उनको पाँव में ना चुभे इसलिए रेत यहाँ पे डाल दिया गया है। और रेत भी देखो ना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इधर बाइक से लेके जाओगे ना तो बाइक काफ़ी ज़्यादा इधर उधर फिसलन होगा बाइक का टायर को, स्किड करेगा, तो इसी कारण से अपन लोग रोड से ही जा रहे हैं, प्लस कावर वाले बम को कोई दिक्कत ना हो इसके कारण भी अपन लोग रोड से ही जा रहे हैं। तो आगे का भी अपडेट इसी वीडियो में मिलता रहेगा, तो अभी अपन लोग आगे चलते हैं और आगे का अपडेट देते हैं आपको। फाइनली गाइज कटोरिया बाजार से आगे आए हैं, फिर अपन लोग थोड़ा सा तेल लिए, क्योंकि झारखंड में एंट्री लेंगे ना तो बिहार में 106 रुपये, अपन लोग यहाँ से 106 रुपये भरवाएँ 106 रुपये का 1 लीटर, बट झारखंड में वही 10-15 रुपये कम होगा, तो मान लो कि 90-95 रुपये होगा तेल। तो आप लोग चलते हैं झारखंड में एंट्री लेते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर और है, 1 लीटर में तो 30 किलोमीटर आराम से चल जाएगी, उसके बाद अपन लोग आराम से झारखंड में तेल भराएंगे मस्त वाला, क्योंकि अभी 3 खुट्टी शो कर रहा है, लाइक देख लो 3 काटा अपना शो कर रहा है, देखना कितना शो कर रहा है अभी।
तो 100-200 कर रहा है, बट फिर भी 30 किलोमीटर आराम से चले जाएंगे हम लोग। तो अभी चलते हैं और फिर पेट्रोल लेते झारखंड में ही। अभी अपन लोग पेट्रोल पंप लिए थे कटोरिया बाजार के बिल्कुल आगे आने के बाद लेफ्ट टर्न लिए, उसके बाद और आगे आने के बाद ना एक और टर्न था, मेरे को याद नहीं आ रहा, उधर आया तो फिर से अपने को ये देखो अपना बम मिल गया सारे लोग जो। और देख सकते हो फिर से वही रेत गाइस, जो पाँव में ना चुभती है ना कोई गिट्टी विट्टी, ना पाँव में चुभे, इसी कारण से रेत सारा जगह दिया हुआ है यार। मतलब सोचो 105 किलोमीटर सारा जगह रेत डाला हुआ है और ये लोग भाई 105 किलोमीटर चलना, मतलब सोचो यार। हम लोग तो भाई मतलब 5-10 किलोमीटर चल लेते ना थक जाते, बट ये लोग यार कावर लेके यार सैल्यूट है भाई। सो भगवान का यही भाई, जो श्रद्धा होता है ना वो सारा कुछ करवा देता है। तो बस यही है, अभी अपन लोग चलते पहले देवघर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी है। सो गाइस देख सकते हो इधर भी रुकने का काफ़ी अच्छा अच्छा इंतजाम किया जा रहा है, हालांकि देखो साइड में कुछ नहीं है बट टेंट बना के रुकने का काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवस्था किया जा रहा है। और देखो वहाँ पे तो होटल ऐसा बन चुका है, खाने पीने के लिए काफ़ी सारा कुछ रेडी हो चुका है। और ये अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो दिया हुआ, सरावनी मेला 2024 पर्यटक विभाग बिहार सरकार आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो इधर के रास्ते से ही आपको जानी है और इधर रहने रुकने खाने पीने का हर कुछ का बहुत ही अच्छा से सुविधा दिया हुआ है। तो जो जो लोग अभी आने वाले हो ना 22 जुलाई को, प्लीज़ वीडियो देख के आना, आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट तरीके से दिया जा रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना ज़रूर और अंत में तो देखना बिल्कुल मत भूलना गाइस। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं। फाइनली गाइस अभी अपन लोग घोड़ियाड़ी नदी के पास आ चुके हैं और फिर अभी मैं आपको इधर का लोकेशन दिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को सच में यार एकदम प्यार हो जाएगा ये लोकेशन से, इतना मस्त वाला घोड़ियाड़ी नदी लग रही है। प्लस बहुत सारे लोग ना पत्थर पे चढ़ चढ़ के स्नान कर रहे हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना अभी मे भी मानो या ना मानो तो 10 किलोमीटर और है अपना देवघर और शाम का 6:30 हो रखा है। मेरे को लगा था 7 बजेगा और 7 बजने को भी है। तो अभी ना मैं आपको घोड़ियाड़ी नदी दिखाता हूँ और ये जगह का नाम मेरे को उतना नहीं पता, बस नदी का नाम मैंने पूछा तो लोगों ने बताया घोड़ियाड़ी नदी है। तो मैं भी ना अभी इधर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, प्लस बच्चे लोग कैसे स्नान कर रहे हो भी दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो ये बच्चे सारे लोग स्नान कर रहे हैं और ये नदी का नाम घोड़ियाड़ी है, प्लस लोकेशन का नाम मेरे को नहीं पता कौन सा लोकेशन है। सारे लोग बहुत ही मजे तरीके से नहा रहे हैं, प्लस पानी देखो ना बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। मैं ना अभी वहाँ पर जाके आपको दिखाता हूँ बच्चे लोगों को। सो गाइस देख सकते हो यार इधर का क्या ही मस्त वाला व्यू, प्लस सारे बच्चे स्नान कर रहे हैं। मैं ना अभी पूछता हूँ इस जगह का नाम क्या है, क्योंकि नदी का नाम तो मेरे को पता चल गया घोड़ियाड़ी नदी, बट ये जगह का नाम, प्लस पानी देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है यार, बहुत ही अच्छा वाला क्लीन है। सो क्या जगह का नाम क्या? चांदड़ नदी। अच्छा तो सो गाइस ये देखो अभी स्नान कर रहे हैं, तो मेरे को ना नदी का नाम किसने शायद गलत बताया, तो नदी का नाम क्या है बाबू? चांदर नदी। सारे लोग देखो डुबकी मार के रखे भाई, पानी लेकिन बहुत ही ज्यादा क्लीन है। आप लोगों का नाम क्या है? आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ। लोकल एकदम? हाँ। भाई बोले डेली नहाते हो क्या? भाई डेली नहाते ये लोग, पानी बहुत ही ज्यादा साफ है। मेरे को ना अगर टाइम होता ना तो अपन लोग नहाते, प्लस यहाँ से ना देवघर, देवघर कितना डिस्टेंस पे है भाई? 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो समझ ही सकते हो भाई। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, नदी तो दिखा दी है, पानी बहुत ज़्यादा क्लीन है, अपने को भी नहाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी अपन लोग स्नान नहीं करेंगे क्योंकि जाना है ना 18 किलोमीटर भाई, तो डिस्टेंस समझ रहे हो अभी 6:30 होने को है। तो अभी यहाँ से अपन लोग निकलते हैं। सो फाइनली गाइस मैं आप लोगों को दिखा दिया नदी के बारे में, सारा कुछ बता भी दिया। सो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि देवघर यहाँ से नहीं भी मानो ना तो 18 किलोमीटर बोल रहे हैं यहाँ के लोग। तो अभी यहाँ से देखते हैं कितना टाइम और लगता है, 6:30 ना बज चुकी है, मान लो तो 6:30 हो चुकी है। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं और डायरेक्ट देवघर के रूट में मिलते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस अभी अपना बिहार का सीमा ख़त्म हुआ और झारखंड में अपन लोग एंट्री ले लिए। पीछे की साइड चेकिंग भी हो रही थी, जो 4-व्हीलर या फिर और भी कुछ जाती है ना उसका चेकिंग होती है, क्योंकि देख सकते हो 10 किलोमीटर और है देवघर। तो अपन लोग जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अभी जस्ट बताया था कि वो लोग झारखंड में एंट्री ले लिए, 10 किलोमीटर और है, 10 किलोमीटर और है। यहाँ भी देख सकते हो कटोरिया 25 किलोमीटर, इधर जाएंगे तो वापस जाएंगे बिहार की तरफ, तो कटोरिया 25 किलोमीटर है जिसको वो लोग क्रॉस करके आए हैं। और फिर इधर से देखो भाई इधर का नेचर क्या ही मस्त वाला, शाम का टाइम हो गया। तो फाइनली गाइस वेट इज ओवर, अभी अपन लोग झारखंड में एंट्री ले रहे हैं। लाइक ये गेट है झारखंड एंट्री का, लाइक एंट्रेंस गेट देख सकते हो कुछ ऐसा है, प्रवेश द्वार है झारखंड का प्रवेश द्वार, और यहां से अपन लोग अंदर की ओर जाएंगे। और आप लोग देख लो देवघर 10 किलोमीटर और है
और बासुकीनाथ 63 किलोमीटर, बट अपने को देवघर जानी है। सो अभी अपन लोग यहाँ से एंट्री लेते हैं और अपन लोग देवघर की ओर चलते हैं, क्योंकि देवघर ही अपने को जानी थी और देवघर ही चलते हैं और फिर डायरेक्ट आपको देवघर मिलते हैं। सो देख रहे हो कुछ ऐसा एंट्री है, प्लस पीछे की साइड काफ़ी ज़्यादा चेकिंग। ये अपना बिहार से झारखंड का एंट्री और उधर से बिहार का एंट्री होता है वो वाली एंट्री गेट से। फाइनली गाइज, अभी अपन लोग देवघर मंदिर तो नहीं पहुँचे, लेकिन अपन लोग इस फील्ड में आ चुके हैं। लाइक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टेंट बना हुआ है, किस चीज़ का है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी अपन लोग पूछ के आपको सारा कुछ बताते हैं। तो फाइनली भाई, अभी अपन लोग कोठिया में आ चुके हैं और कोठिया में आने के बाद ना आपको देवघर से पहले ही मिलेगा, तकरीबन 2 से 3 या 4 किलोमीटर के पहले ही कोठिया एक जगह नाम है, जहाँ पे आपको निःशुल्क रहने का पूरी अच्छे तरीके व्यवस्था है। तो मैं अभी आपको ना व्यवस्था सारा कुछ दिखाता हूँ, कैसा अंदर के साइड व्यवस्था है। यहाँ से बेड वेड सारा कुछ दिख रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बेड रखा गया है और मैं अभी आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये सामने की साइड ना बहुत ही लंबे एकदम बेड, बहुत ही लंबा, मान लो ना तो एक रूम में ना तकरीबन नहीं भी मानो तो कितना हो सकता है, आप लोग गेस करके बता सकते हो क्या। मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ओहो भाई, क्या लाइटनिंग है यार एंट्री लेते से पहले, ये देखो लाइटनिंग, क्या नाइट का टाइम का व्यू है, बहुत ही तगड़ा वाला लाइटनिंग है। प्लस यहाँ पे नीचे थोड़ा सा पानी का फ्लो है, इसी कारण से यहाँ से जाओ तो ये देखो अंदर का एंट्रेंस। भाई बेड काउंट करो ना तो मेरे ऐसे ख्याल से 1000 तो बेड, एक पंडाल में 1000 बेड होगा, अप्रोक्स अराउंड 1000 बेड तो होगा ही, ये मैं बोल सकता हूँ। आप लोग प्लीज काउंट करके देख लेना यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ऐसा ऐसा कितना टेंट है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। प्लस सारा जगह फैन है, दो साइड है बीच में फैन है, फिर दो साइड है बीच में फैन है, काउंट करो तो तकरीबन नहीं भी तो एक साइड में 150 या फिर 100 बेड होगा, आराम से होगा। तो मैं अभी आपको दूसरा टेंट दिखाता हूँ। सो गाइस, वैसा वैसा सेम 4 टेंट, एक वो देखो, एक टेंट, 2 टेंट, ये 3 टेंट हुआ और 4 टेंट, चारों में अगर काउंट करो ना 1000 बेड का हिसाब से काउंट करो तो 4000 बेड। प्लस इतना सारा साइड में जो गद्दा दिख रहा है मैट्रिसेस, यहाँ से यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैट्रिसेस रखा गया है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना जितना आप लोग सोचो ना उससे कई गुना ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा बेड है। भैया एक लाइन में कितना बेड होगा तकरीबन, एक लाइन में कितना बेड होगा ये तकरीबन 75। तो गाइस देख सकते हो यार, एक लाइन में अप्रोक्स मानो तो 70-80 बेड तो होगा ही, और ऐसा ऐसा चार है, मतलब टोटल 4 टेंट है और 75 को आप लोग कैलकुलेट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जितना आएगा ना उसको 4 से गुना कर दो यार, क्योंकि 4 टेंट है। प्लस यहाँ पे ना और भी बहुत अच्छा एक्स्ट्रा बेड यहाँ पे लगाया गया, रखा गया, और ये आपको बिल्कुल ही निःशुल्क मिलेगा गाइस, आप लोग आ सकते हो यहाँ पे रह सकते हो। प्लस ये देखो बाहर के साइड लाइटनिंग काफ़ी अच्छा है यार, उस टाइम एंट्री ले रहे थे उस टाइम लाइटनिंग, और इस टाइम अपन लोग एग्जिट कर रहे ना दूसरा वाला पंडाल से, तो इसका देखो भाई लाइटनिंग क्या ही मस्त वाला है डेकोरेशन। जैसा कि देख सकते हो अपन लोग अभी आ चुके हैं बाबा धाम में, और फिर बाबा धाम का मोड़ पे देखो यार कितना भीड़ है, क्योंकि तो काफी सारा श्रद्धालु लोग जो भी है ना बम वो जा रहे हैं, और इधर से सारा पब्लिक लोग का व्हीकल्स गाड़ी जो भी है ना उसके कारण काफी ज्यादा जाम लग चुकी है। तो अभी हम लोगों को सामने की साइड जानी है, क्योंकि सामने की साइड है बाबा धाम और इधर की साइड देखो यार जाम कितना भयानक है। तो चलो जाम को खत्म होने के बाद अपन लोग सामने की साइड चलते हैं बाबा धाम की तरफ। तो फाइनली गाइस, अभी अपन लोग एंट्री ले लिए, आगे की साइड जाते और फिर आगे की साइड अपना बाबा धाम है, तो देखते हैं बाबा धाम में भी किस तरीके का भीड़ चल रहा है। अंदर की साइड, बाहर की साइड तो उतना भीड़ नहीं है, लेकिन अंदर की साइड देखते बाबा धाम में कितना अभी भीड़ है और आप लोग भी दिखाते हैं। सो ये देखो बाबा धाम से अभी सारे लोग इधर से जा रहे हैं, जो भी बम है सारे लोग जा रहे हैं इधर से, और आगे साइड कितना डिस्टेंस है ये मेरे को कंफर्म नहीं पता, बट हाँ मान के चलो कितना, आधा किलोमीटर, 500 मीटर और भी डिस्टेंस है, उसके आगे बाबा धाम मंदिर है। तो अभी बाबा धाम मंदिर के अंदर चलेंगे, उसके बाद आपको सारा कुछ दिखाएंगे गाइस, वहाँ का सारा कुछ सीन आप लोग जो भी सेकंड बार आओगे ना उनको तो पता ही होगा, बट उनको और भी नॉलेज थोड़ा सा गेन हो जाएगा, मतलब जो भी फर्स्ट बार आओगे ना उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। सो गाइस लुक दिस यार, बाबा धाम का ये चल रहा है, लाइक यहाँ पे लोग सुबह सुबह नहा धो के पूजा करते हैं, प्लस अपन लोग बाबा धाम एंट्री ले चुके हैं। गाइस देख सकते हो चारों तरफ से ये क्या सीन चल रहा है भाई। फाइनली गाइस अभी अपन लोग बाबा धाम आ चुके हैं, लेकिन भाई गेस करो देखो यार, मतलब बाबा धाम कितना बड़ा यार मंदिर, एकदम चारों तरफ घूमेंगे ना तो भाई काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और ऑलरेडी हम लोग का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। तो इसको अपन लोग सोचे ना, ये वाली ना जो वीडियो है ना इसको अपन लोग बाबा धाम का जो मंदिर का टूर करेंगे ना वो वाली वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में लाएंगे। तो ये वाली ब्लॉग ना सोच रहे हैं यहाँ पे एंड करने के लिए, क्योंकि अगर अपन लोग
फुल्ली कंप्लीट तरीके से अगर बाबा धाम का वीडियो बनाए ना तो भाई तकरीबन एक घंटे का वीडियो तो बन जाएगा, क्योंकि अपन लोग ऑलरेडी काफ़ी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आए, उसमें बहुत ही लंबा वीडियो बन चुकी है। तो इसका वीडियो कंप्लीट बनाएंगे तो सोच रहे कितना लॉन्ग डिस्टेंस को कितना लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए, बाकी अभी अपन लोग थोड़ा बहुत थक चुके हैं। तो सो फाइनली गाइज आज के लिए कुछ इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर और भी इधर उधर घूमेंगे ना तो बहुत ही लंबा है गाइज, बहुत ही बड़ा ये बाबा धाम है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो अपन लोग सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें, और जो नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे ना बाबा धाम का स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जो भी मंदिर है ना उनका स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सारा कुछ दिखाएंगे, प्लस अपन लोग अभी स्नान धोएंगे ये सब सारा कुछ करेंगे, उसके बाद बाबा धाम मंदिर में भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सोच रहे हैं यहाँ पे अभी वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, राधे राधे, बम भोले और हर हर महादेव।